हमें पूरा याद है 2016 में जब चुनाव हुआ उसके बाद बिहार की सरकार नल जल सात निश्चय योजना को निकाली सरकार, और उस सात निश्चय योजना में आपका जो यह नल जल योजना है उसको भी यह सरकार ने लाया। ठीक है, सरकार लाया, उस समय चर्चाएं चल रही थी कि जो नल जल बनेगा उसके बाद जिनके जमीन में बनेगा वे जमींदाता जो होंगे वे उसका संचालक होंगे और वे सब दिन के लिए संचालक रहेंगे, और उसके साथ साथ जो सरकार की द्वारा जो उनकी जो पंचायती राज विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन निकाला गया, जो चिट्ठी निकाली गई, उस चिट्ठी में पूरा दर्शाया हुआ है जो अनुरक्षक की बहाली, वार्ड सचिव, पंचायत सचिव, मुखिया और वार्ड मेंबर की उपस्थिति में आप वार्ड सभा करके अनुरक्षक की बहाली करें। साथियों, उसी तरह अनुरक्षक की बहाली हुई, बहाली के बाद जो वहाँ पर अनुरक्षक बने उन्होंने नियम पूर्वक जो उनका काम था वह पानी चलाने का काम किए। 2019 में सभी लोगों का बहाली हुआ, कहीं पर 18 में ही बन के तैयार हो गया था नल जल, कहीं में 19 में 20 में इसी तरह बना, तैयारी हुआ, साथियों चला रहे। सही बात है, आज जो यह पंचायती राज विभाग का चिट्ठी हो, चाहे बीडीओ हो, प्रखंड का मालिक हो, या जिला के पदाधिकारी हो, या मुखिया को चिट्ठी दे या वार्ड सदस्य को चिट्ठी दे कि जो आप वार्ड सदस्य चलाएंगे, तो सबसे पहले हमें संगठित होने की जरूरत है। साथियों, मैं कहना चाहती हूँ इसलिए कि हमारे साथी ने आपको बताया, विष्णुदेव जी ने जो वार्ड क्या कहता है टीचर जो है जो बहाली हुआ था 1500 के महीना पर 11 महीने के लिए, तो टीचर ने किस तरह संगठन मजबूत किया वो अपनी, क्योंकि उसको 11 महीने के लिए बहाली हुआ था और उसको 11 महीने से ज़्यादा उससे काम लिया गया, तो उसके आधार पर वह आंदोलन में गया। आंदोलन में जाने के बाद जब वो आंदोलन में गया तो आंदोलन में जाने के बाद उसकी जीत हुई, क्योंकि जब 11 महीने का ही उसका बहाली था तो फिर सरकार उसको ज़्यादा दिन काम करवाई, उसके आधार पर उन्होंने लड़ करके आज वह टीचर अपने जगह है। लड़ करके वह वेतन के लिए भी 1500 वेतन था, अभी वह टीचर का 30,000 से बेसी वेतन हो गया, तो लड़ने के बाद हुआ, मैंने यानी कि संगठित होने के बाद हुआ। वार्ड सदस्य जनता का भी प्रतिनिधि रहेंगे और कर्मी माने कर्मचारी का भी काम करेंगे, ये बात कहीं से सटीक नहीं बैठता है। इसलिए ठीक है, जहाँ पर वार्ड सदस्य चलाते हैं और वहाँ पर रक्षक भाई बहनों का बहाली हुआ था, जिनसे चाबी छीन लिया गया है, उनसे सही सलामत आपके पास, आप जब बहाल आपका जब बहाली हुआ होगा तो उस समय जरूर रजिस्टर होगा, वो रजिस्टर के साथ आप वीडियो से बात कीजिए, लेकिन ऐसे आप अकेले बात कीजिएगा तो वीडियो सुनने वाला नहीं है। अभी जो प्रशासनिक माहौल है, जो तानाशाही है, जो सुशासन की सरकार में, कोई आपको अकेले सुनने वाली बात नहीं है, इसलिए आप संगठित होकर ठीक है कार्यक्रम के माध्यम से आप जाइए, आप एक आंदोलन को तय कीजिए, अभी आप आंदोलन का तिथि और समय निर्धारित कीजिए, उस तिथि पर आप आंदोलन कीजिए, आंदोलन में जाइए और उसमें आप रजिस्टर लेके बजाते जाइए, जिनको चाबी छीन लिया गया है, जिनको कहा जाता है कि आप अनुरक्षक नहीं है, हमको वीडियो साहब कहे हैं कि आप वार्ड मेंबर चलाएगा, आप लेके जाइए रजिस्टर बजाबते और बताइए, जो लेटर है उस लेटर को लेके जाइए और बताइए इस लेटर और इस रजिस्टर के आधार पर मेरा बहाली हुआ था, उसके आधार पर मैं अनुरक्षक हूँ। से होने वाला नहीं है साथियों, आप तैयारी के साथ जाइए। और जहां तक वार्ड मेंबर और अनुरक्षक की लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं उसमें मुखिया जी इन्वॉल्व जरूर है, मैं इस बात को खुले तौर पर कह, मैं भी मुखिया थी, मैं भी 5 साल पंचायत को चलाई हूं, लेकिन हमारे यहां जो वार्ड सदस्य होते थे वो हमसे बकआउट होकर रहते थे, क्योंकि हमारा अलग रूटीन, उन लोग पत्नी मुखिया, पत्नी वार्ड सदस्य है, वार्ड मेंबर उनका पति आते थे, मैं वैसे चीज़ को मंजूर नहीं करती थी, मैं खुद मुखिया थी, मैं अपने खुद पंचायत चलाती थी, इसलिए वैसे वार्ड मेंबर पति को मैं नहीं देखना चाहती थी, साफ मीटिंग से वर्कआउट करती थी, इसलिए हमारे विरोध में रहते थे। माने हमारा कहना है कि जब वार्ड मेंबर मुखिया जी को कहीं ना कहीं निर्देशित करते और वह निर्देशित इसलिए करते हैं कि उनको जो है ब्लॉक से पूरा पावर मिला हुआ रहता है, लेकिन एक बात ध्यान देना होगा साथियों, छोटा भी जनप्रतिनिधि को जनता ही जिता के देता है। हर वार्ड मेंबर का क्या है कारनामा मैं कहना नहीं चाहूंगी, यह वार्ड मेंबर की मीटिंग नहीं है, उनका दशा है 2000 रुपया लेकर जाकर दिया जनता से पैसा, वह जनप्रतिनिधि का क्या हस्त साथियों, वैसे जनप्रतिनिधि पर आपको
करना होगा, आपको नियम पूर्वक सही तरीके से लड़ाई लड़ना है तो आप कागजी प्रक्रिया में मजबूत होइए, संगठित होइए, चाहे जिस तरह हो, ठीक है, जहां पर वार्ड